What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन कौन सी नेशनल पार्टी होती हैं, और पहले स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा था जब 2014 के इलेक्शन हुए थे उस टाइम पर 6 नेशनल पार्टी थी और तृणमूल कांग्रेस और ऐड हो गई थी, यहाँ पर 7 नेशनल पार्टी हो गई थी। इसके अलावा हमने कई सारी नेशनल के साथ में स्टेट की पार्टीज भी देखी थी कि कई सारे स्टेट में कई सारी पार्टी हैं और उनकी आइडियोलॉजी भी डिफरेंट थी, कोई रीजन के बेस पर थी तो कोई आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो फ्रैक्शन हो गया था दूसरी पार्टी में से उसके बेस पर निकल कर आई थी। वो सारी चीज़ें हम लोग कल के आर्टिकल में, कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज आप लोगों को जानने को मिलेगा कि जो नेशनल पार्टी होती हैं या फिर स्टेट पार्टी होती हैं इनको बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब किस बेस पर अगर आप लोग आप भी खुद चाहे तो अपनी पार्टी बना सकते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, क्या क्या उसके लिए टर्म्स, क्या क्या उसके कंडीशन होनी चाहिए, वो सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेंगी। अगर आप भी चाहे तो अपनी खुद की एक पार्टी बना सकते हैं, चाहे वो रीजनल लेवल की चाहे वो नेशनल लेवल की, कोई भी पार्टी आप लोग बना सकते हैं। तो उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन अब आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे कई बार क्वेश्चन पास्ट में पूछे जा चुके हैं। और वैसे भी बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि अगर किसी पार्टी को, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर स्टेट या नेशनल स्टेटस दिया जाता है तो वो किस बेस पर दिया जाता है, तो थोड़ी थोड़ी आप लोगों को थ्योरी पता होना चाहिए जिससे कि आप लोग समझ सको कि अच्छा ऐसा हुआ था इसलिए इसको हम लोगों ने नेशनल या स्टेट पार्टी का स्टेटस दे दिया है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेके आएंगे अगर आप लोगों को ये बातें पता होंगी तो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे नेशनल लेवल की पार्टी। कल मैंने आप लोगों को ये 7 पार्टी के नाम यहाँ पर सारे बताए थे, तो ये 7 पार्टी किस तरीके से यहाँ पर पिक्चर में आई तो पहले उनके बारे में हम लोग जानते हैं इसके लिए क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर कंडीशन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर ये 3 कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, सारी कंडीशन नहीं, और लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बीच में हर जगह और लगा हुआ है, और का मतलब है इन तीनों कंडीशन में से कौन सी भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 7 नेशनल पार्टी आप लोगों ने देखी है उन 7 में से कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल हुई है तब जाकर वो नेशनल पार्टी बनी है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को जो कंडीशन देखने को मिलेगी यहाँ पर परसेंटेज के बारे में जिक्र करेंगे, और बाद में अगर चलेंगे जैसे आगे तो वहां पर आप लोगों को सीट के बारे में जिक्र दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग स्टार्टिंग में परसेंटेज देखने को मिलेगी। तो पहली कंडीशन देखते हैं, पहली कंडीशन में क्या बातें डिस्कस की गई हैं। पहली कंडीशन में बातें बताई गई हैं कि नेशनल पार्टी किस तरीके से हो सकती है अगर कोई पार्टी 6% परसेंटेज की बात करिए, सीट की बात नहीं करिए, याद रखिएगा 6% उसको वैलिड वोट मिलती है, मतलब कोई डुप्लीकेट वगैरह वोट डालने नहीं जाता है, 6% वैलिड वोट होती है। ठीक है, ये 6% वैलिड वोट उसको एनी और मोर, मतलब या तो 4 स्टेट में हो या फिर 4 स्टेट से ज़्यादा में हो, ये 6% जो पार्टी को सीटें मिली हैं या तो उसको 4 स्टेट में मिली हो या 4 स्टेट से ज़्यादा स्टेट में मिली हो जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन होते हैं। मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी 2014 में जनरल इलेक्शन हुए थे तो 2014 में मान लीजिए स्टेट हमारी कंट्री में आज की डेट में कितने हैं, 29 स्टेट हैं। तो 29 स्टेट में से कोई भी 4 स्टेट आप लोग निकाल लीजिए, मान लीजिए यूपी हो गया, एमपी हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया। इन चार स्टेट में भी जो लोकसभा की सीटें होंगी उनके लिए कि 6% वोट कम से कम मिली हो यहाँ पर जो भी मेंबर खड़े हुए हैं उस पार्टी के जिसको नेशनल लेवल की पार्टी बनाना है। ओके, तो पहली तो कंडीशन ये हो गई कि 6% वोट मिलनी चाहिए उस पार्टी के मेंबर्स को 4 स्टेट के अंदर। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग बीजेपी के देख सकते हैं, अगर बीजेपी के आपके स्टेट में कोई पार्टी के मेंबर है तो उनको 6% वोट मिलनी चाहिए, तो 4 स्टेट हो या फिर 4 स्टेट से ज्यादा हो। इतना फोकस स्टार्टिंग में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यही पूरी खिचड़ी आगे भी पकने वाली है। तो अगर आप लोगों के माइंड में एक बार चीजें सेट हो जाएंगी तो फिर आप चीजों को आगे समझ पाएंगे आसानी से। तो पहले परसेंटेज बताई गई है 6% सीटें 4 स्टेट या 4 से ज्यादा स्टेट में अगर मिल पा रही है जनरल इलेक्शन में। इसके अलावा फिर और बोला गया है, और या फिर स्टेट या फिर जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसमें, मतलब या तो लोकसभा में 6% सीटें मिल जाएं 4 स्टेटों में, 4 से ज्यादा स्टेटों में, ठीक है, या फिर 6% सीटें 4 स्टेटों या 4 से ज्यादा स्टेटों में जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं उनमें मिल जाए, किसी भी जगह 6% सीटें मिल जाती हैं। एक तो कंडीशन ये है, आधी कंडीशन पूरी हो गई फर्स्ट पार्ट की। एडिशन में क्या बात किया गया है, एडिशन में मतलब ये के साथ साथ में ये भी होना है। ओके, अब नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर सीट के बारे में बात की जा रही है। अब तक यहां पर परसेंटेज के बारे में बात की जा रही थी, वोट की परसेंटेज कितनी है, 4% वोट, 5% वोट, 6% वोट, तो परसेंटेज में बात चल रही थी। अब इन एडिशन यहां पर सीट भी मिलनी चाहिए, 4 सीटें जीती हो उसने लोकसभा के इलेक्शन में, मतलब सीट इन द लोकसभा इलेक्शन एनी स्टेट। ठीक है ना, एनी स्टेट या तो एनी स्टेट या फिर स्टेट आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। तो लोकसभा में भी उसको 4 सीटें मिली होनी चाहिए, ठीक है ना, या तो जिस स्टेट का वो पार्टी है उस स्टेट में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं या एनी स्टेट। तो 4 सीटें अगर लोकसभा की मिली हैं, 6% सीटें उसको जनरल इलेक्शन जो हुए हैं लोकसभा के उसमें या तो 4 स्टेटों में मिली हो, या फिर असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें 6% सीटें मिली हो, तब जाके वो नेशनल पार्टी बनेगी। कल भी मैं इसको पढ़ा सकता था, उस लेक्चर के आगे एक्सटेंड करके आप लोगों को पढ़ा सकता था, पर लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा। आप लोगों के माइंड जो होना चाहिए थोड़ा शांत होना चाहिए, और एकदम नया स्टार्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ इस लेक्चर को कि कम से कम स्टार्टिंग में एनर्जी अच्छी होती है तो आप लोग आसानी से समझ पाए, ठीक है। तो एक बार नेशनल पार्टी अगर समझ लेंगे, स्टेट पार्टी में फिर कोई चक्कर नहीं होगा, उसमें भी ऐसी बातें करनी है हम लोगों को। आप लोग एक बार फिर से इसको सुन लीजिए, या तो 6% वैलिड वोट होनी चाहिए 4 स्टेट या 4 से ज्यादा स्टेटों में जनरल असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, मतलब लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, किसी में भी 6% सीटें होनी चाहिए। इसके साथ में 4 जो सीटें होनी चाहिए, 4 सीटें लोकसभा की किसी भी स्टेट में, यहाँ पर 4 सीटें भी होनी चाहिए, ठीक है, जिस स्टेट की बात की जा रही है, या 3-4 स्टेट को मिलाकर यहाँ पर बात की जा सकती है उस पार्टी की, ठीक है। तो पहली कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ को। पहली फुलफिल हो गई तब भी नेशनल पार्टी बन जाएगी, और दूसरी अकेले फुलफिल हो गई तब भी नेशनल पार्टी बन जाएगी। 2% सीटें अगर उस पार्टी को मिल रही है, 2% सीटें अगर उस पार्टी को मिल रही है लोकसभा के इलेक्शन में, यानी कि जनरल इलेक्शन में, तो वो पार्टी, ठीक है, उस जनरल इलेक्शन की बात की जा रही है, उस पार्टी के कैंडिडेट को, और इसके अलावा वो कैंडिडेट 3 स्टेट में से निकल के आने चाहिए। तो 2% जो सीटें मिल रही हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर हो गया बिहार, ये हो गया छत्तीसगढ़, और ये हो गया यहाँ पर छत्तीसगढ़, और ये हो गया यहाँ पर झारखंड। तो झारखंड में से 2% सीटें मिलनी है, और जो बंदे जो चुन के आएंगे लोकसभा के वो 2% सीटों के, वो अलग अलग स्टेट से, यानी मिनिमम यहाँ पर 3 स्टेट होने चाहिए, ठीक है, इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट। तो 2% सीटें 3 स्टेट में से अगर निकल के आती है किसी भी पार्टी की लोकसभा के इलेक्शन में, तो वो भी नेशनल पार्टी बन जाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ को। नेक्स्ट कंडीशन बड़ी आसान सी है, नेक्स्ट कंडीशन का आंसर आप लोगों को नेक्स्ट जो स्टेट पार्टी डिस्कस करेंगे तब मिलेगा। इसके अलावा वो पार्टी जिसको नेशनल पार्टी बनाना है किन्हीं 4 स्टेट में, ठीक है ना, 4 स्टेट ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर ले सकते हैं, हरियाणा ले सकते हैं आप लोग यहाँ पर, या फिर पंजाब ले सकते हैं, या फिर उत्तराखंड ले सकते हैं, किसी भी 4 स्टेट में वो पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी का दर्जा उस पार्टी को मिला हुआ हो, तो भी वो पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी बन जाएगी। तो इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होती है तो वो यहाँ पर नेशनल पार्टी बन जाएगी। यही पैटर्न फॉलो कर कर यहाँ पर ये आप लोगों को 7 नेशनल पार्टी यहाँ पर आज की डेट में आप लोगों को दिख रही है। यही यहाँ पर इस तरीके से ये 7 कंडीशन ये 3 कंडीशन फुलफिल कर कर ये 7 की 7 पार्टी यहाँ तक पहुंची है। ओके, तो ये हो गया नेशनल पार्टी का दर्जा। अब बात कर लेते हैं स्टेट पार्टी के दर्जे की। उसमें थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा कंडीशन यहाँ पर देखनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक बार कोई स्टेट की आप लोग देखिए, स्टेट की तो वहाँ पर जरूरत होती है अगर आप लोग स्टेट के सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब स्टेट के जो भी PCSCs होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहाँ पर जरूरत पड़ती है। नेशनल लेवल की आप लोगों को हर जगह जरूरत पड़ती है, चाहे कोई नेशनल लेवल का एग्जाम करने या फिर स्टेट लेवल का। तो नेशनल लेवल का तो आप लोगों को पता ही पता होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं स्टेट की। स्टेट में यहाँ पर आप लोगों को 5 कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। इन 5 कंडीशन में से हर जगह और लगा हुआ है, तो 5 कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है यहाँ पर, तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को परसेंटेज देखने को मिलेगी और बाद में आप लोगों को सीट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी 6% सीटें अगर स्टेट पार्टी, जो स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, अगर 6% सीटें उसको वैलिड सीटें जो होती हैं वो मिली हो, जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन की बात निकली जा रही है, जो स्टेट के असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसमें 6% मिली हो, ठीक है। इसके अलावा प्लस एडिशन में 2 सीट भी जीती हो उसने कंसर्न स्टेट में, तो तब जाके उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पर 6% सीटें मिली हो या फिर 4 सीटें जीती हो इन एडिशन पर। यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने कि 6% वो जीती हो और 2 सीटें देखी हो, तो थोड़ा सा कंपेयर भी यहाँ पर हो जा रहा है, इससे भी आप लोगों के माइंड में और क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर 6% वैलिड वोट, यहां पर बात कर रहे हैं, ऊपर की है लेजिस्लेटिव असेंबली की, यहां पर बात कर रहे हैं लोकसभा की। 6% वैलिड वोट या तो स्टेट के जनरल इलेक्शन तो लोकसभा के होते हैं उसमें मिली हो उसको, ठीक है, मतलब जैसे कि उस स्टेट की बात की जा रही है, मान लीजिए यूपी यहां पर ले लेते हैं, तो जो जनरल असेंबली के जो इलेक्शन हो रहे हैं यहां पर, मतलब जो यहां पर जो यहाँ पर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं हमारे लोकसभा के, उसके लिए यहाँ पर जो स्टेट में सीटें हैं उनको 6% सीटें मिली हैं वहाँ पर। इन एडिशन उसी में बात की जा रही है फिर, या उनको स्टेट के अंदर, जिस स्टेट की मान लीजिए यूपी की बात की जा रही है, एक लोकसभा की सीट जीती हो, या तो स्टेट के अंदर उसको 6% सीटें मिली हो लोकसभा के जनरल इलेक्शन में, मान लीजिए यूपी की बात करें तो यूपी में, या फिर यूपी के अंदर ही एक सीट उन्होंने जीती हो लोकसभा की, तो वो पार्टी को भी स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आसान सा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी कंडीशन देखते हैं, यहां पर तीसरी कंडीशन में बात की जा रही है कि 3% सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली में जीती हो, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसमें, या तो ये बात जीती हो 3% सीटें, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जीती हो। देखिए सीट की बात की जा रही है, ऊपर क्या बात की गई थी, यहां पर परसेंटेज की बात की जा रही थी, ओनली सीट यहां पर 2 थी, 2 की जगह अगर 3 सीट हो जाती है, अगर 3 सीट यहां पर हो जाती है 2 की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी पार्टी ने जीत ली है, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो स्टेट की पार्टी बन जाएगी। ठीक है, उसी स्टेट में, या फिर 3 सीटें असेंबली विच एवर, या तो 3 सीटें जीती हो वहां पर असेंबली में, या फिर आप लोग देख सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जा रही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर फिर से देखिए, या तो 3% जो सीटें हैं, परसेंटेज की बात की जा रही है स्टार्टिंग में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जीती हो, या फिर 3 सीट जीती हो, कोई सी भी हो सकती है यहां पर। ठीक है, 3% सीटें, जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में या तो 3% सीटें जीती हो उसने जितनी वोट डाली है, या फिर 3 सीटें जीती हो, कोई सा भी अगर मिल जाता है, और लगा हुआ है बीच में भी यहाँ पे, इनमें से कोई सा भी हो जाता है तो वो भी स्टेट लेवल की पार्टी हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में या तो 1 सीट लोकसभा में जीती हो, ठीक है, एवरी 25 सीट, मान लीजिए किसी स्टेट में 25 सीटें हैं तो हर एक 25 सीट पे 1 सीट उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, जिससे आप लोग देख सकते हैं यूपी में 80 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं 25 थी 75, तो यहां पर कम से कम मिनिमम 30 सीटें आप लोग देख सकते हैं। तो अगर लोकसभा में मान लीजिए 80 सीटें हैं यूपी में, तो यहां पर 3 सीटें तो उसको जीतनी चाहिए। ठीक है, 3 सीटें तो यहां पर उसको होनी चाहिए, तब और की बात की जा रही है 3 सीटें अगर निकाल लेता है 25 पे, और इसके अलावा जो आगे बात की जा रही है यहां पर, और या कोई और फ्रैक्शन यहां पर उसको स्टेट को प्रोवाइड कराया जाए, मान लीजिए 25 के लायक स्टेट नहीं है, उसमें सीटें बहुत कम है। ठीक है, तो उसके बेस पर फिर जो फ्रैक्शन उसको प्रोवाइड कराया जाएगा कंसर्न स्टेट को, तो उसके बेस पर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन थोड़ी सी यहां पर एम्बिगुएट कंडीशन देखने को मिलती है, ये खुद वो डिसाइड करेंगे कि कितनी सीटें यहां पर प्रोवाइड करानी है और कितना उसके ऊपर देखना है, तो इसकी स्टार्टिंग वाली कंडीशन आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, यह कंडीशन जोड़ी गई थी 2011 में। ओके, ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी यहां पर 8% टोटल वैलिड वोट मिली हो स्टेट के, जो जनरल मतलब स्टेट के अंदर जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, उसके मतलब अभी 2014 में जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उसके 8% सीटें, जो किसी स्टेट की बात की जा रही है, मान लीजिए यूपी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यूपी में 8% सीटें उसको मिली हो, तो तब वो क्या होगा, स्टेट पार्टी का दर्जा उसको दे दिया जाएगा। या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी मिली हो, दोनों जगह कहीं भी 8% सीटें अगर मिल जाती हैं तो उसको 8% सीट नहीं, सॉरी 8% वैलिड वोट, अगर उसको 8% वैलिड वोट मिल जाती है, सीट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, 8% वैलिड वोट उसको मिल जाती हैं तो उसको दर्जा मिल जाएगा, चाहे लोकसभा के इलेक्शन में मिल जाए, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में मिल जाए। देखिए लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को क्या करना है, एक बार लेक्चर को पॉज करके अगर समझ में नहीं आया तो पीछे का एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा, बहुत धीरे धीरे से मैंने पढ़ाया, वरना इसको 4 मिनट में भी खत्म कर सकता था, मैं पूरा रुक रुक के आप लोगों को बताया, जिससे कि आप लोगों के माइंड में घुस जाए ये चीजें, और 2-3 बार जब भी आप लोग इसको लेक्चर को देखेंगे तो आप लोगों की समझ में आराम से आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे स्टेट की मैंने बात की है तो वहां पर अपने स्टेट को आप लोग सोच सकते हैं कि हाँ मेरे स्टेट की बात की जा रही है। ओके, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पार्टीज होती हैं वो चेंज होती रहती है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो फर्स्ट यहाँ पर जनरल इलेक्शन देखने को मिले थे हमको लोकसभा के, उस टाइम पर यहाँ पर पार्टी कुछ और थी, फिर आगे चल के पार्टी कुछ और हो गई, तो नंबर ऑफ पार्टी जो होती हैं वो भी चेंज होती रहती हैं टाइम के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये नेशनल पार्टी है, यहाँ पर ये स्टेट पार्टी है, यहाँ ये 14 थी और यहाँ पर ये थी 39, और जब 2014 के इलेक्शन हुए तो यहाँ पर ये 6 थी और ये थी 47। तो इस तरीके से जैसे जैसे इनकी परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टीज भी यहाँ पर चेंज होती रहती है। आज की डेट में यहाँ पर 7 नेशनल पार्टी हैं और 47 आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर स्टेट पार्टी हैं, और 193 यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर अनरिकग्नाइज पार्टी हैं। ओके, इसके अलावा जो नेशनल पार्टी होती है उनको यहाँ पर ऑल इंडिया पार्टी भी बोला जाता है, और जो स्टेट पार्टीज होती है उनको यहाँ पर रीजनल पार्टीज भी बोला जाता है। तो ये भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं इसके साथ में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। देखिए लेक्चर को एक बार और सुन लीजिएगा ताकि आप लोग ढंग से क्लियर हो पाए माइंड में, और किसी A4 साइज की सीट पर शॉर्ट नोट इसके और बना लीजिएगा, ठीक है, कि लोकसभा में इतना तो यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना तो यहाँ पर इतना, 1-1 लाइन के नोट्स बना लीजिएगा। तो एक बार आपके हाथों में से निकल जाएंगे ना, एक बार पेन से लिख दोगे खुद से चीजें तो और ज्यादा आसानी से याद रहेगी। तो ये और आप लोग कर लीजिए मेरे बोलने से, ये आप लोगों के माइंड में बिल्कुल छप जाएंगे फिर, क्योंकि कई बार इन कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और फेसबुक वगैरह पे चीजों को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि सब तक चीजें पहुंच जाए। और अपना ख्याल रखिए, देखिए, और मिलजुल कर चीजों को कीजिए, और रिवीजन जरूर करते रहिए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को भी, और वाटर को भी सेव कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।